तो, तो आगे कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स तो क्लाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज रहता है इसके बेस पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक हमारे पास आते पॉजिटिवली चार्ज सोल और एक आते नेगेटिवली चार्ज सोल और ये क्लासिफिकेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है तो आपको ये याद होने चाहिए कि पॉजिटिवली चार्ज में जैसे कि हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड देन बेसिक डाइज हाइड्रोक्साइड्स ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन में आते हैं और इवन हीमोग्लोबिन ठीक है टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये सारे हैं पॉजिटिव सोल नेगेटिव में आगे मेटल मेटल सल्फाइड देन एसिड डाई और सोल ऑफ स्टार्च गम जिलेटिन क्ले चारकोल ये आगे सारे नेगेटिवली चार्ज सोल अब इन पार्टिकल्स पे सोल पार्टिकल्स पे जो चार्ज आता है वो चार्ज आता कैसे है क्योंकि सोल का तो एक पार्टिकल होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ थ्री रीजन जो पहला रीजन है दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल जब मेटल्स को आप डिस्पर्स करते हैं कोलाइड सोल्यूशन बनाने के लिए तब उसके पार्टिकल कुछ इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके चार्ज गेन कर लेते हैं तो एक तो ये मेथड हो गया ठीक है ये रीजन हो गया उसका सेकंड और जो वाइडली एक्सेप्टेड रीजन जिसको हम प्राइमरी रीजन बोलेंगे दैट इज द प्रेफरेंशियल एब्सॉर्पन ऑफ आय ठीक है पढ़ेंगे में क्या होता है? तो सेकेंड रीजन हो गया कि प्रेफरेंशियली वो एक पर्टिकुलर टाइप के या पर्टिकुलर आयन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं थर्ड इज द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ओके तो यह दोनों चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे तो आपको यह चीजें पता होनी चाहिए कि चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स एग्जिस्ट ड्यू टू दीज थ्री रीजन अब देखो प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल एड्सॉप्शन क्या होती है अब हमारे पास स्टार्टिंग में के आई का सोल्यूशन है और के आई के सोल्यूशन में हमने यहां पर ए जीएनओ थ्री डाल दिया तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि के आई का सोल्यूशन था तो सोल्यूशन तो ज्यादा होगा कंपेरेटिवली और एजीएनओ थ्री जो एड किया वो कम होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ आयन जो है वो के पॉजिटिव और आई नेगेटिव के हैं और थोड़ा सा डाला हमने एजी इसमें तो एजी पॉजिटिव और आई नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे एजीआई प्रेसिपिटेट कर जाएगा प्रेसिपिटेट करने के बाद साथ में और आयन क्या बचेंगे एनओ नेगेटिव ठीक है जो किसी काम नहीं आया साथ में के पॉजिटिव और साथ में और आई नेगेटिव प्रेजेंट होगा क्योंकि ऐसे समझ लो कि स्टार्टिंग में आपके पास यहां हंड्रेड के पॉजिटिव थे और हंड्रेड आई नेगेटिव थे दस आपने एजी एनओ थ्री डाला तो दस एजी एन थ्री में दस एजी पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव से कंबाइन करके AGI बनाएंगे पर नाइनटी आयोडाइड आयन तो अभी भी प्रेजेंट हैं ठीक है थीके? तो जो एक्सेस में था वो के आई था तो उसके आयन अभी भी एक्सेस में प्रेजेंट है अब ये जो प्रेसिपिटेट बन गया एजीआई इसको अगर आपने सोल में कन्वर्ट करना है तो ये किसी एक आयन को एड्सॉर्ब करेगा ठीक है प्रेफरेंशियल एड्सॉप्शन किसको? ये ऐसे आयन को एड्सॉर्ब करेगा जो इसके साथ कॉमन हो मतलब या तो ये एजी पॉजिटिव को एड्सॉर्ब करेगा या ये आई नेगेटिव को एड्सॉर्ब करेगा ठीक है पर एजी पॉजिटिव तो यहां पर प्रेजेंट नहीं है तो बात है एड्सॉप्शन होगी आई नेगेटिव की और उसके बाद हमारे पास बनेगा नेगेटिव सोल तो इसको लिखेंगे एजीआई आई नेगेटिव ठीक है इस तरह से तो मतलब एजीआई के सोल ने आई नेगेटिव को एड्सॉर्ब किया है तो बन गया नेगेटिव सोल अब इन्हीं दो से हम पॉजिटिव सोल भी बना सकते हैं अब सेकेंड टाइम हमने सोल्यूशन लिया एजीआई थ्री का तो ये एक्सेस में था और के आई डाला तब भी एजीआई सॉलिड प्रेसिपिटेट हो गया और आयंस और क्या क्या होंगे NO3 थ्री नेगेटिव भी होगा और क्योंकि अब ए जी थ्री ज्यादा था एक्सेस में था तो थोड़ा सा Ag पॉजिटिव बचा होगा ठीक है और थोड़ा सा बचा होगा के पॉजिटिव अब अब इनमें क्या होगा अब इनमें ए जी आई को जो कॉमन आयन चाहिए वो आई नेगेटिव तो नहीं है यहां पर ए जी पॉजिटिव कॉमन आयन है तो Ag पॉजिटिव को एड्सॉर्ब करेगा और फाइनली ये बनाएगा पॉजिटिव सोल ठीक है तो ये होती है प्रेफरेंशियल एड्सॉप्शन के जो कॉमन आयन होते हैं उनकी एड्सॉप्शन होती है तो अभी नोट इट डाउन अब देखो नेक्स्ट अगर हम देखें कि हॉट वाटर में एफईसीएल थ्री एड करने से पॉजिटिव सोल बनता है और अगर हम एन सॉल्यूशन में एफ़ को ऐड करते हैं तो से नेगेटिव सोल बनता है ठीक है तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है एनसीआर में गिवन है तो पहले कर वीडियो पॉज करके इसको नोट करो और ट्राई टू कम अप विद एन इक्वेशन क्या होगा हॉट वाटर में आप FECL3 को डालोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी और अगर एनए के सोल्यूशन में एफीसीएल थ्री को डालते हैं तो क्या इक्वेशन बनती है देखो अब यहां पर क्या होगा क्योंकि हॉट वाटर एक्सेस में है और एफ सी एल थ्री आपने थोड़ा सा डाला तो जो रिएक्शन है दैट इज FeCl3 सी एल तो ये बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस थ्री अब HCl से हमें कोई काम नहीं है ठीक है तो हाइड्रोक्साइड बन गया बहुत ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि रिएक्शन डजेंट गो टू कंप्लीशन कुछ हद तक होता है तो थोड़ा सा FeCl3 अभी भी प्रेजेंट है वो FeCl3 के जो आय होंगे दैट इज Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वो फेरिक हाइड्रोक्साइड में कॉमन आयन क्या रहेगा एफी थ्री पॉजिटिव तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड उसमें से एफ थ्री पॉजिटिव को एड्सॉर्ब कर लेगा ठीक है तो ये बन जाएगा एफ ओ एच थ्राइस और यहां रहेगा एफ थ्री पॉजिटिव तो यह थ्री पॉजिटिव की एड्सॉर्ब से जो सोल बना नाउ इट इज अ पॉजिटिव सोल सेकेंड केस में हम NaOH सॉल्यूशन हमारे पास एक्सेस में है ठीक है ना तो जब NaOH सॉल्यूशन आपके पास ज्यादा दिया होगा तब क्या होगा वहां पे? तब जब आप FeCl3 ऐड करते हो द कंपाउंड फॉर्म इज अगेन एफ थ्राइस ठीक है ना तो FeCl3 NaOH प्लस में भी आपको मिलता तो एफ ई एच ही है पर क्योंकि एन सॉल्यूशन एच सोल्यूशन था तो ये एक्सेस में होगा तो जो कॉमन आयन मिलेंगे अब आपको वो एफ थ्री पॉजिटिव नहीं होंगे ज्यादा अब वो ओ एच नेगेटिव आयन होंगे ठीक है तो ये ओ एच नेगेटिव आयन को एड्सॉर्ब करके ये बनाएगा बेसिकली इसको लिखते हैं एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ है ना हाइड्रेटेड रहेगा ये स्लैश ओ एच नेगेटिव तो यहां पर अब ओ एच नेगेटिव एड्सॉर्ब होंगे क्योंकि वो एक्सेस में थे तो इसकी एड्सॉर्प्शन से जो बनेगा दैट विल बी अगेटिव सोल ठीक है ना तो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन आपको क्लियर हो गया होगा अब नेक्स्ट मूव करते हैं डबल लेयर कॉन्सेप्ट अब जो पहला एग्जांपल हमने देखा था जहां पर एजीआई सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बन रहे थे अब सिल्वर आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट बन गया ये जो येलो कलर का पार्टिकल है ये वो सोल पार्टिकल है और उसने एड्सॉर्ब किया आई नेगेटिव को ओके तो हमारे पास ए जी आई आई नेगेटिव तो ये हमारे पास आ गया एक नेगेटिव सोल अब क्योंकि इसके सरफेस पे ये जो आई नेगेटिव है यहां पर देखो ये मेंशन किया हो मैंने ये जो आई नेगेटिव इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो ये बन गया पर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज को भी तो अट्रैक्ट करेगा तो जो के पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन में वो इसके चारों तरफ एक और लेयर बना देंगे जस्ट अट्रैक्शन से अब ये एड्सॉर्ब नहीं हो रहे ये जो के पॉजिटिव आ रहे हैं इनके कोई एड्सॉर्प्शन नहीं हो रही तो ये स्ट्रांगली बाउंड नहीं है पर जो आई नेगेटिव थे वो एड्सॉर्ब हुए थे तो जो एड्सॉर्ब होता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर ठीक है वो पहली लेयर होती है तो इज द फर्स्ट लेयर ये फिक्स्ड होती है उसके बाद जो एक और लेयर बनती है ऑपोजिट चार्ज की वो सेकेंड होती है एंड दैट इज डिफ्यूज नहीं है ठीक है, है, है और दोनों लेयर पे ऑपोजिट चार्ज है जो फर्स्ट लेयर है वो यहां पर नेगेटिव है और सेकेंड लेयर पॉजिटिव है तो दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल दिस इज कॉल्ड द डबल लेयर कॉन्सेप्ट ठीक है तो पढ़ लिया हमने तो ऊपर जो यहां पर स्टार्टिंग में पढ़ा था ना ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ये है वो डबल लेयर कॉन्सेप्ट ओके तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस काफी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अब कोलाइडल पार्टिकल्स में अगर चार्ज होगा उनके ऊपर तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ जाएंगे पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएंगे तो यहां पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो उसके इन्फ्लुएंस में चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेंगे ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ तो दिस मूवमेंट ऑफ क्लॉयडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस तो यू कैन ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम इसको आप देख के क्लैरिटी आपको आ जाएगी अब इसमें मान लो किसी वजह से जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट हिंडर्ड है हो नहीं पा रही ठीक है ना कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट प्रिवेंट हो रही है किसी तरीके से तब क्या होगा तब जो डिस्पर्जन मीडियम है जैसे कि मान लो ये वॉटर अगर डिस्पर्जन मीडियम होता और वाटर फिर मूव करना स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस तो फॉरेसिस में चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं ऑस्मोसिस में डिस्पर्जन मीडियम मूव करना स्टार्ट करता है ठीक है तो इज प्रिवेंटेड बाय सम मीन्स द मीन मीडियम बिगे टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस तो माइन्यूट सांपॉर्टेंट डिफरेंस है बट बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है तो इसको ध्यान में रखना फिर नेक्स्ट मूव करते हैं कॉगुलेशन और प्रेसिपिटेशन तो वर्ड आपको पहले भी आपने ये पढ़ा हुआ है कॉगुलेशन क्या होता है जब पार्टिकल्स मिलके सेटल जैसे अलग अलग पार्टिकल थे कि नजदीक आ गए और कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल मिला गया और नीचे प्रेसिपिटेट करके बैठ गए ठीक है तो इसी को प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं इसी को हम कॉगुलेशन भी बोलते हैं दोनों टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस तो है पर जनरली स्पीकिंग बड़ा ज्यादा डिफरेंस हम अभी नहीं लेंगे तो वी विल यूज द टर्म कागुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन साइड बाय साइड सेम कॉन्सेप्ट के लिए अब देखो नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अब ये कैसे कैसे हो सकता है ठीक है करवानी है प्रेसिपिटेशन करवानी है तो कैसे कैसे हो सकती है पहला तो इलेक्ट्रोफॉर क्योंकि पार्टिकल पार्टिकल जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वाली प्लेट पे जाके चिपक जाएगा ठीक है तो वहां पर जाके वो डिस्चार्ज हो जाएंगे उनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफोरिस से हम कॉगुलेशन करवा सकते हैं सेकंड, दो ऑपोजिट चार्ज सोल ले लो एक नेगेटिव ले लो एक पॉजिटिव तो एक के पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होंगे दूसरे के पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होके न्यूट्रलाइज भी हो जाएंगे और इकट्ठे अटैच भी हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट कर जाएंगे तो दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल को आप सॉरी सोल को आप मिक्स कर सकते हो थर्ड इज बॉइलिंग ठीक है जब उसको आप हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो बॉयल करना स्टार्ट करते हो तब भी वहां पर कॉगुलेशन स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो एक्चुअली होता क्या कि जो हमारे पास सोल है उसके ऊपर जो एड्सॉर्ब लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाती है बॉइलिंग में हाई टेम्परेचर पर इतने कोलिजन होते हैं मॉलिक्यूल्स में तो जो एड्जॉर्ब लेयर है पार्टिकल्स के ऊपर वो डिस्टर्ब हो जाती है उसकी वजह से कॉगोलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है थीके? फिर परसिस्टेंट डायलिसिस डायलिसिस में हम क्या करते थे हम चार्ज पार्टिकल्स को बाहर निकालते थे क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल तो बड़े हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं जाएंगे पर जो चार्ज हैं वो छोटे छोटे थे तो डायलिसिस से हम चार्ज पार्टिकल जो इंप्योरिटीज है उनको तो निकाल देते हैं बाहर पर अगर आप बड़ी देर तक डायलिसिस करते रहोगे तो वो जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट चाहिए था एज अ स्टेबिलाईजर वो भी निकल जाएगा और अगर वो निकल गया तो फिर सोल पार्टिकल को स्टेबिलाइज करने के लिए कोई बचा नहीं तो फिर कागोलेशन हो जाएगी तो प्रोलॉन्ग या परसिस्टेंट डायलिसिस भी अनस्टेबल कर देता है उसको एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट तो काम का है क्योंकि एज अ एजेबिलाईजर काम करता है पर ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल न्यूट्रलाइज करके सेटल डाउन हो जाएंगे तो दीज आर द दैथड जिनसे हम कॉगुलेशन अचीव कर सकते हैं ठीक है अब देखो द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल इज कॉल्ड कागुलटिंग आयन मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज सोल है अब इसको न्यूट्रलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाऊंगा मान लो नेगेटिव मैंने नेगेटिव ले आया तो सीएल नेगेटिव जाके इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है तो सीएल को फिर मैं बोलूंगा ये मेरा आयन है। okay, हो सकता है इसकी जगह मैं NO3 ले या PO4 थ्री नेगेटिव ले तो ये कोगुलेटिंग आयन होंगे तो जो कॉगुलेशन करवा रहा है उसको बोलते हैं कॉगुलेटिंग आयन तो नेक्स्ट देखते हैं कागुलेटिंग आयन की पावर होती है ठीक है कॉगुलेटिंग पावर होती है या फ्लॉक्यूलेटिंग पावर भी इसको बोलते हैं तो हार्ड इशूल रूल इसके बारे में बात करता है कि कॉगुलेशन कितनी फास्ट होगी कितनी इफेक्टिव होगी ये बोलता है कि ग्रेटर द बैलेंस ऑफ कॉगुलेटिंग या फ्लॉकुलेटिंग आयन जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसकी पावर है प्रेसिपिटेट करने की अब यह कैसे अब मान लो मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज सोल है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल मेरे पास तीन है एक एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव एन ए पॉजिटिव और बेरियम टू पॉजिटिव तो अगर मैं एन ए पॉजिटिव लू तो इसका नेगेटिव तो को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा पर अगर मैं एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव का एक पार्टिकल ले लू तो ये तीन नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है तो इसका मतलब हुआ कि एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव वन थर्ड अमाउंट में ही लगेगा कंपेर टू एन ए पॉजिटिव तो कम अमाउंट में लगा और फिर भी काम हो गया मीन इसकी पावर ज्यादा थी ठीक है तो जो थोड़ा लगे और ज्यादा काम करे दैट इज मोर पावरफुल तो फ्लक्कुलेटिंग पावर अगर हम इन तीनों आइन्स की बताएं तो सबसे ज्यादा होगी एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव फिर बेरियम टू पॉजिटिव और फिर जाके होगी एन ए पॉजिटिव की ओके okay? सिमिलरली अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव सोल हो ठीक है तो पॉजिटिव सोल को कॉगुलेट करना है तो नेगेटिव आयन चाहिए तो नेगेटिव आयन में जितना ज्यादा चार्ज हो उतनी उसकी पावर होगी तो अस से एक आयन हमारे पास है FE, CN6, four negative, इससे कम पावर होगी फिर टू नेगेटिव की, की और इससे कम होगी वन नेगेटिव की तो इस बेस पे हम फ्लॉकुलेटिंग पावर की वैल्यूज मतलब उसका ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं ओके okay, तो नोट डाउन कर लो पहले फिर नेक्स्ट आता है फ्लक्चुलेटिंग वैल्यू या कॉगुलेटिंग वैल्यू इट इज मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर कि एक लीटर को कोगुलेट करने के लिए कितने मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट लगा ठीक है कि दो घंटे के अंदर अंदर प्रेसिपिटेशन हो जानी चाहिए तो इज अ मिनिम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल इन टू आवर्स दिस इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू अब जितना कम अमाउंट में लगेगा इलेक्ट्रोलाइट उसकी वैल्यू तो कम होगी पर अगर कम अमाउंट में लगे और काम कर दे तो ऑब्वियस ज्यादा पावर ज्यादा होगी तो कॉगुलेटिंग वैल्यू इनवर्सली प्रपोर्शनल टू कागुलेटिंग पावर तो जो आपका आपकागुलेटिंग पावर का ऑर्डर आएगा उसको रिवर्स कर दें दैट विल बी द ऑर्डर फॉर दगुलेटिंग या कॉगुलेशन वैल्यू और कॉगुलेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या कंसेंट्रेशन तो है ये क्या है पर मिली मोल्स पर लीटर है तो मिली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल इन लीटर तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं ओके सो इट डाउन फिर नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कागुलेशन की कागुलेशन कब ज्यादा होती है कब कम होती है लायोफोबिक कोलाइड बड़े ईजीली कागुलेट कर जाते हैं जबकि लायोफिलिक में क्या होता है लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल होते हैं तो उनमें कागुलेशन उतनी ईजिली नहीं होती पर इलेक्ट्रोलाइट को एक सूटेबल सॉल्वेंट के साथ अगर ऐड किया जाए तब कागुलेशन हो सकती है तो क्या याद रखेंगे लायोफिलिक जल्दी कागुलेट नहीं होते लायोफोबिक जल्दी हो जाते हैं ठीक है सेकेंड इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट होना चाहिए कॉगुलेशन पे मान लो मेरे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट तो क्या लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जल्दी कागुलट करेगा ऑब्वियसली क्यों क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पूरा आयनाइज हो जाता है उसके नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह आयनाइज नहीं होता तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो न्यूट्रलाइजेशन भी स्लो होगी ठीक है तो इसके वजह से हम बोलते हैं मान लो सेम कंसेंट्रेशन के पॉइंट वन मोलर का मेरे पास एक एनएसएल है तो इसकी ज्यादा पावर है कंपेयर टू पॉइंट वन मोलर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि वीक एसिड है फिर आता है चार्ज ऑन कागुलेटिंग आयन अब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा कागुलेशन फास्ट होगी जैसे नेगेटिव सोल को करना है तो थ्री पॉजिटिव चार्ज होगा तो जल्दी करेगा टू पॉजिटिव होगा थोड़ा स्लो करेगा और वन पॉजिटिव होगा तो और स्लो करेगा ठीक है तो ये आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कागुलेशन क्लियर अब नेक्स्ट इज सम प्रॉब्लम्स तो हमें यहां पे पहले तो क्लासिफाई करना है फॉलोइंग सोल अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस कि कौन सा इसमें से पॉजिटिव सोल है कौन सा इसमें से नेगेटिव सोल है तो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है तो गोल्ड सोल जितने भी मेटल सोल होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिव तो ये आगे नेगेटिव फिर हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं दे आर पॉजिटिव तो ऑक्साइड हो हाइड्रोक्साइड हो ये पॉजिटिव हैं जिलेटिन डिस्कस किया था हमने ये नेगेटिव सोल है ब्लड ब्लड इज पॉल्सो नेगेटिव सोल सल्फर अब देखो सल्फर का जो सोल है दैट इज याद रख लेना नेगेटिव सल्फाइड सल्फाइड का सोल भी क्या होता है नेगेटिव होता है आई थिंक यहां पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है ब्लड नेगेटिव नहीं था ब्लड हीमोग्लोबिन था पॉजिटिव सोल ने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एस एन ओ टू फॉर्म पॉजिटिव सोल इन एसिडिक मीडियम एंड नेगेटिव सोल इन बेसिक मीडियम तो ऐसा क्यों होता है देखो एस एन ओ टू एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की वजह से ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा अब अगर हम इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देखें तो ये बनाता है एस एन सी एल फोर क्योंकि टिन इनर्ट पेर इफेक्ट की वजह से प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना प्रेफर करता है तो ये एस एन फोर बन गया अब इस एस एन सी एल फोर में कौन कौन से पार्टिकल होंगे एस एन फोर पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव तो जो एस एन ओ टू के कोलाइडल पार्टिकल थे वो एस एन सी एल फोर से एस एन फोर पॉजिटिव जो आयन है उसको प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब कर लेगा ठीक है और तब जाके बन जाएगा पॉजिटिव सोल सिमिलरली एक नेगेटिव सोल बनेगा एंड दैट इज द होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू आपको ढूंढना है कि एस एन ओ टू का बेसिक मीडियम में क्या रिएक्शन होता है और किस आयन को फिर वो एड्सॉर्ब करके नेगेटिव सोल बनाएगा ठीक OH है टेन क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स एफ्राइज एफ्री पॉजिटिव कैन बी कागुलेटेड इजिली बाय पहली चीज है कॉगुलेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सोल पे कौन सा चार्ज है अब यहां पे क्लियरली पता चल रहा है इट इज अ पॉजिटिव सोल तो उसको नेगेटिव आयन या एनायन कॉगुलेट करेंगे तो एनआईन में भी जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही फास्टर कॉगुलेशन होगी तो कॉगुलेशन तो सारे कर लेंगे सबसे फास्ट डी फिर सी फिर ए फिर बी ठीक है तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कॉगुलेशन देन क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ ए एस टू एस थ्री आर नेगेटिवली चार्ज विथ पॉइंट जीरो जीरो टू मोलर सोल्यूशन वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन कॉगुलेटिंग दिस सोल्यूशन ठीक है तो हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज सोल है इसको कागुलट करना है तो पॉजिटिव आयन चाहिए तो हमारे पास चार यहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं पहले के पे पॉजिटिव चार्ज है एन पॉजिटिव दूसरे वाले पे एम टू पॉजिटिव फिर एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव और फोर्थ पे भी है एन पॉजिटिव जो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी जल्दी ये कागुलेट करेगा तो आंसर इज ए एल सी एल थ्री कंसेंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है यहां पे क्योंकि सभी की कंसेंट्रेशन बराबर है देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट टू कागुलेट एजीआईटिव एनोथ्री नेगेटिव सोल अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कागुलेटिंग वैल्यू देखो अब ये सोल में ये वाला ये क्या है ये है डिफ्यूज लेयर और ये थी फिक्स लेयर तो चार्ज जो सोल पे होता है वो फिक्स लेयर की वजह से होता है तो ये एक पॉजिटिव सोल है तो पॉजिटिव सोल को सबसे जल्दी कॉगुलेट कौन करेगा नेगेटिव चार पार्टिकल तो दैट इज एफ सी एन सिक्स फोर नेगेटिव सबसे फास्ट इसको कोग्युलेट करेंगे उसके बाद पीओ फोर थ्री नेगेटिव फिर एसओ फोर टू नेगेटिव और फिर जाके सीएल नेगेटिव तो दिस इज द कोग्युलेटिंग पावर ठीक है पावर की ऑर्डर दिया मैंने यहां पूछे कॉगुलेटिंग वैल्यू है ना तो वैल्यू तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है तो कॉगोलेटिंग वैल्यू का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका तो ये ध्यान देना कि रहा पावर पूछा गया है ये वैल्यू जल्दी जल्दी में क्वेश्चन में गलतियां हो सकती हैं देन नेक्स्ट कम द प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स देखो लायोफिलिक सोल्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड उनकी सोलवेशन बहुत अच्छे से होती है सॉल्वेंट में इसीलिए वो मोर स्टेबल होते हैं लायोफोबिक से ठीक है पहला पॉइंट याद रहेगा तो एक्सटेंसिव सॉल्वेशन की वजह से लायोफिलिक आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलाइड काम करते हैं मतलब लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करना है तो थोड़ा सा लायोफिलिक उसमें डाल दो उससे क्या होगा लायोफोबिक के चारों तरफ लायोफिलिक के जो पार्टिकल्स हैं वो एक लेयर बना देते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं ठीक है तो लायोफिलिक कोलाइड्स को एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड भी कहा जाता है कौन कौन से लायोफिलिक कोलाइड जैसे कि जिलिटन एग एल्बुमिन गम एरेबिक पोटैटो, स्टार्च एक्सेट्रा तो दीज आर द सम कॉमन प्रोटेक्टिव कोलाइड्स फिर हम बात करते हैं एक नई टर्म की गोल्ड नंबर गोल्ड नंबर को हम यूज करते हैं किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्टिव पावर को एक्सप्रेस करने में ठीक है तो प्रोटेक्टिंग पावर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर अब गोल्ड नंबर की डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लीकेटेड सी है याद करने के लिए समझने के लिए आसान है देखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम विच वेन एडिड टू टेन एम एल ऑफ ए स्टैंडर्ड गोल्ड सोल इज जस्ट सफिशियंट टू प्रिवेंट कॉगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल ऑन एडिशन ऑफ वन एम एल ऑफ टेन परसेंट एनएसीएल सोल्यूशन ठीक है तो ऑब्वियसली हंसी आपको आई होगी इसको पढ़ के अब हमने एक, एक गोल्ड सोल लिया ठीक है और ये हमारे पास टेन एम गोल्ड सोल अब जब इसमें मैं इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा तो उसकी कागुलेशन हो जाएगी ना तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास टेन परसेंट एनएसीएल सोल्यूशन इसका बस एक एम डालना है और उसे कागुलेशन हो जाएगी पर हम इस कॉगुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करके प्रोटेक्टिव कोलाइड कितना डालेंगे हम कुछ मिलीग्राम तो मान लो हमने इसमें एक्स मिलीग्राम एक प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड कर दिया ठीक है और फिर जाके हमने एक एम 10% टेन परसेंट एनए सोल्यूशन डाला और कॉगोलेशन नहीं हुई पर अगर हम एक्स मिलीग्राम से कम डालते तो कॉगोलेशन हो जा रही थी मीन्स कॉगुलेशन को जस्ट रोकने के लिए इतना सा प्रोटेक्टिव कोलाइड चाहिए था तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम बस इसी को बोलते हैं गोल्ड नंबर तो समझने में आसान है तो जितना कम प्रोटेक्टिव कोलाइड डालने से कागुलेशन रुक जाए उतनी उसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगी ना पर गोल्ड नंबर कम होगा क्योंकि कम मिलीग्राम तो कम गोल्ड नंबर तो प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर जैसे कि जिलेटिन का गोल्ड नंबर आता है पॉइंट जीरो जीरो फाइव से पॉइंट जीरो वन तो कम है गोल्ड नंबर तो उसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा है जबकि पोटैटो स्टार्च की ट्वेंटी फाइव है तो उसकी प्रोटेक्टिंग पावर काफी कम है ओके okay? तो उसको नोट डाउन कर लो गोल्ड नंबर को अब नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी नाइन एंड ट्वेंटी नाइन थर्टी एंड थर्टी वन उन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सोल्व इन टू मिनट्स देखो ऑन एडिंग वन एम एल सोल्यूशन ऑफ टेन परसेंट एनएसएल टू टेन एम एल गोल्ड सोल इन प्रेजेंस ऑफ पॉइंट टू फाइव ग्राम तो पॉइंट टू फाइव ग्राम कितने मिलीग्राम हुए टू इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो ये हो गए टू फिफ्टी मिलीग्राम तो मतलब टू फिफ्टी मिलीग्राम स्टार्च डालने से कॉगुलेशन जस्ट प्रिवेंट हुई तो मिलीग्राम में जितना आपने प्रोटेक्टिव कोलाइट डाला फॉर टेन एम गोल्ड सोल वही तो होता गोल्ड नंबर तो दिस इज द गोल्ड नंबर टू फिफ्टी देन क्वेश्चन नंबर थर्टी कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय तो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम इन सभी लेस रिएक्टिव मेटल को हम कैसे बनाते थे ब्रेडिक आर्क मेथड से इनका कोलाइडल सोल्यूशन बनाते थे

जो या तो बिल्कुल भी आपस में मिक्स नहीं होते कंप्लीटली इमिसिबल हैं या वो पार्शियली मिसिबल हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर ओके अब इनको डायरेक्टली अगर आपको ऑयल और वाटर को मिक्स करना हो तो जस्ट मिक्स करके शेक करोगे तो उतने इजीली उनका एक एमेल्शन नहीं बनता ठीक है तो हमें एमेल्शन बनाने के लिए कुछ मेथड यूज करने पड़ते हैं एमेलसी फायर उसमें डालना पड़ता है तो लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सिस्टम जहां पर दोनों लिक्विड या तो बिल्कुल भी आपस में सॉल्युबल नहीं है या पार्शियली सॉल्युबल है उनको बोलते हैं एमलशन एमल्शन के बेसिकली दो टाइप्स होती हैं वन इज ऑयल इन वाटर अदर इज वाटर इन ऑयल तो ऑयल इन वाटर का मतलब ये वाटर यहां पर ज्यादा है दैट इज दट इज द डिस्पर्जन मीडियम और ऑयल इज द डिस्पर्स फेज वॉटर इन ऑयल में ऑयल इज द डिस्पर्जन मीडियम फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं पहले वाले केस में वाटर ज्यादा है इट इज ऑयल इन वाटर दूसरे में ऑयल ज्यादा है ठीक है और एग्जाम्पल आपको याद रखने की जैसे मिल्क है तो मिल्क ऑयल इन वॉटर का एग्जाम्पल है वेनिशिंग क्रीम है यह भी ऑयल इन वॉटर है बटर एंड क्रीम दे आर वॉटर इन ऑयल टाइप क्लियर अब नेक्स्ट अगर हम एमलशन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो एमलशन ऑफ ऑयल इन वॉटर आर अनस्टेबल एंड समटाइम दे सेपरेट इन टू टू लेन स्टैंडिंग तो इस चीज को हमें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक स्टेबिलाईजर डालते हैं इसको बोलते हैं एमल्सिफाइंग एजेंट ठीक है तो थर्ड कॉम्पोनेंट इज एडेड विच इज कॉल्ड एमल्सिफाइंग एजेंट तो एमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है इट फॉर्म्स एन इंटरफेशियल फिल्म बिटवीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड द मीडियम फॉर एग्जाम्पल ऑयल और पानी को आप नॉर्मली मिक्स नहीं कर पाओगे पर ऐसे समझ लो किसी अगर आपके हाथों में ऑयल लगा है तेल लगा हुआ है उसको आप नॉर्मल अगर पानी के नीचे धोगे तो ऑयल तो हाथ से नहीं जाता पर अगर आप सोप यूज करते हो तो चला जाता इट मीन सोप की प्रेजेंस में ऑयल और वाटर मिक्स हो जाते हैं तो सोप को आप एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट वहां पे बोल सकते हो ठीक है ना तो द प्रिंसिपल एमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर वॉटर आर प्रोटीन गम नेचुरल एंड सिंथेटिक

डिमल्सिफिकेशन ठीक है तो एमल्सिफिकेशन का उल्टा हो गया डिमल्सिफिकेशन दट इज ब्रेकिंग डाउन द एमल्शन इन टू इट इट्स कॉम्पोनेंट टेमल्शन को हम वापस के कॉम्पोनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं बाय हीटिंग फ्रीजिंग सेंट्रीफ्यूजिंग या एडिशन ऑफ एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो एमल्सिफाइंग एजेंट आपने डाल रखा था कुछ ऐसा डाल दें जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो एमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से एमल्शन बन रही थी या स्टेबलाइज थी तो वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब भी डिमल्सिफिकेशन हो जाएगी सेकेंड इज डायल्यूशन अगर आपको किसी एमल्शन को डायल्यूट करना है तो डिस्पर्जन मीडियम तो आप जितना मर्जी डालो चलेगा ठीक है एमल्शन कैन बी डायल्यूटेड विद एनी अमाउंट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम पर अगर आपने डिस्पर्स फेज डाल दिया तो वो एक सेपरेट लेयर की आ जाएगा मतलब अगर आपके पास ऑयल इन वाटर एमलशन है तो पानी इसमें आप और डाल सकते कोई हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पर आप ऑयल थोड़ा सा ज्यादा डालोगे तो वो एक अलग लेयर बना के ऊपर बैठ जाएगा ठीक है तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज फिर उसके बाद आते हैं जेल तो जेल हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा हुआ है जेल कैट तो जेल लाइक कोलाइडल सिस्टम जहां पर एक लिक्विड एक सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स है जेल बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं जिलेशन जेल दो टाइप में क्लासिफाई किए जा सकते हैं वन इज इलास्टिक जेल वन इज नॉन इलास्टिक जेल इलास्टिक जैसे कि नाम से समझ आ रहा है आपको कि वो थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी उनमें रहती है उनको अगर आप फोर्स लगाएंगे तो अपनी शेप से डिफॉर्म होते हैं फिर वापस अपनी शेप को शेप में वापस आ जाते हैं ठीक है अटेंड कर लेते हैं नॉन इलास्टिक जेल वापस अपनी शेप में नहीं आते तो उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है अब इनकी प्रॉपर्टीज अगर देखें जेल्स की हाइड्रेशन हाइड्रेशन का मतलब वो वाटर के एडिशन अ कंप्लीटली डीहाइड्रेटेड अगर इलास्टिक जेल है आपके पास उसका सारा वाटर निकल चुका है तो फिर से उसमें पानी डाल के आप उसको रीजनरेट कर सकते हो मतलब हाइड्रेशन से फिर से वो रेडी हो जाएगा पर नॉन इलास्टिक जेल में ऐसा नहीं होता तो सिर्फ इलास्टिक जेल की हाइड्रेशन होती है ठीक है सेकंड इज स्वेलिंग तो स्वेलिंग का वो एक ही ज्यादा अगर उसने सॉल्वेंट एब्जॉर्ब कर लिया तो स्वेल कर जाते हैं दैट इज कॉल्ड स्वेलिंग सिनर्सिस सिनर्सिस में क्या होता है अगर काफी देर तक इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जेल्स को ऐसे रहने दिया जाए ठीक है स्टैंडिंग तब क्या होता है तब उसके वो अपना सॉल्वेंट लूज करते हैं तो सॉल्वेंट लूज करने कोई प्रोसेस को बोलते हैं सिनर्सिस तो दे अंडरगो श्रिंकेज विच इज अ कंप्लीट बाय लॉस ऑफ सॉल्वेंट एंड फोर्थ इज थिक्सोट्रॉपी तो सम जेल्स आर सेमी सॉलिड जब रेस्ट पे हैं, बट वो लिक्विड सोल बन जाते हैं अगर उनको हिलाया जाए एजिटेशन की जाए तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ठीक है सोल और जेल के बीच की दिस इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी तो ये ही प्रॉपर्टीज है सफिशियंट इतना करना हमारे लिए तो वी कैन जस्ट पॉज वीडियो हेर एंड नोट इट डाउन ठीक है अब नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स तो ये डायरेक्टली हम एन से कवर कर रहे हैं तो ये जस्ट एक बार आपको पढ़ लेना है इसमें कोई बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी पर बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट चीजें तो हमारे आसपास हमने अब तक पढ़ ही लिया कि कितने सारे क्लाइडल सिस्टम्स हैं द मील्स वी ईट द क्लोथ वी वीयर द वुडन फर्नीचर वी यूज द हाउस वी लिव इन द न्यूज पेपर्स वी रीड ठीक है दे आर मेनली क्लाइडल सबस्टांसेस तो क्या क्या से एग्जाम्पल है नोटवर्दी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फर्स्ट इज ब्लू कलर ऑफ स्काई पढ़ लिया हमने ठीक है क्योंकि जो व्हाइट लाइट है उसका जो वायलेट और ब्लू वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है जिसकी वजह से स्काई ब्लू लगता है फॉग मिस्ट एंड रेन देखो वेन ए लार्ज मास ऑफ एयर

क्रिएट होते हैं और इतने सारे थोड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे ये कोलाइडल रेंज में होंगे तो इससे विजिबिलिटी भी कम हो जाती है ठीक है दैट इज द फॉग में आप ज्यादा देख नहीं पाते दूर तक दिस ड्रॉपलेट्स बींग कोलाइडल इन नेचर कॉन्टिन्यू टू फ्लोट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट और फॉग फिर क्लाउड आर हैविंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर सस्पेंडेड इन एयर तो ऑन अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन इन द अपर एटमोसफेयर

कैरिंग चार्ज ऑपोजिट टू द वन ऑन द क्लाउड्स अब मान लो क्लाउड्स में जो क्लाइडल uh, फॉर्म में है पार्टिकल्स वो पॉजिटिवली चार्ज है लेटस से ठीक है तो अगर आप उनके ऊपर कोई ऐसा सोल स्प्रे करते हो जो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो जब चार्ज उनका न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वो सारे पार्टिकल आपस में आके फिर इजिली कंडेंस करना स्टार्ट करेंगे और रेनफॉल स्टार्ट किया जा सकता है तो आर्टिफिशियल रेन इज पॉसिबल फिर फूड आर्टिकल्स मिल्क बटर हलवा आइसक्रीम ये सारे के सारे कोलाइडल फॉर्म में हैं ब्लड ये कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ एल्बुमिन सबस्टांस ठीक है द स्टिप्टिक एक्शन ऑफ एलम एंड फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन इज ड्यू टू कागुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग अ क्लॉट विथ स्टॉप्स फर्दर ब्लीडिंग तो कभी कट लग जाता है आपको तो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए क्या लगाते हैं हम फिटकरी लगाते हैं ना एलम ठीक है तो एलम या फेरिक क्लोराइड क्या करते हैं ब्लड को कागुलेट कर देते हैं जिससे जहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है वहीं पे वो करके सॉलिडिफाई हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टॉप करेगा सॉइल फर्टाइल सॉइल आर कोलाइडल इन नेचर इन विच ह्यूमस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है एज एग्जाम में पूछा जा सकता है देन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा डेल्टा कैसे बनते दे? हैं देखो रिवर का वाटर जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है क्ले का ठीक है तो उसमें बेसिकली क्ले हमने पढ़ा है नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल होते हैं पार्टिकल होते हैं और सी वाटर में जब वो पहुंचता है रिवर वाटर तो सी वाटर में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में कैटाइन भी होंगे एनायन भी होंगे तो कोलाइडल सोल्यूशन जो क्ले का आ रहा है वो नेगेटिवली चार्ज है सी वाटर में जब इलेक्ट्रोलाइट्स थे तो उनमें पॉजिटिव आयन भी थे तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में यह न्यूट्रलाइज हुए तो वेन रिवर मीट्स द सी वाटर द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सी वाटर कागुलेट द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ क्ले जिससे कि के लिए सारा डिपॉजिट हो जाता है दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक ठीक है तो प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक क्या है देखो स्मोक इज अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि उसमें कार्बन होता है अनबर्न कार्बन होता है आर्सेनिक कंपाउंड हो सकते हैं डस्ट हो सकती है ठीक है स्मोक बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी इज लेड थ्रू अ चैम्बर कंटेनिंग प्लेट है चार्ज ऑपोजिट टू दैट कैरिड बाइ स्मोक पार्टिकल तो लेटेस से चिमनी के थ्रू स्मोक यहां बाहर जा रहा है ठीक है और स्मोक क्योंकि वो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं कोलाइडल सोल्यूशन है एक तरह का लेटेस से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ओके okay. तो so, अगर दोनों तरफ जो प्लेट्स लगी हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हम मेंटेन करें तो ये स्मोक जब उन प्लेट्स के साथ कांटेक्ट में आएगा तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे जिससे कि पार्टिकल्स फिर आपस में जो प्रेसिपिटेट कर सकतेशन स्टार्ट हो सकती है ठीक है तो द पार्टिकल्स ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद प्लेट्स लूज देयर चार्ज एंड गेट प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल दस सेटल डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ द चैंबर तो इससे क्या होगा कि बाहर जो निकल रही है वो प्योर गैसेज फॉर्म में होंगी अनबर्न जो पार्टिकल्स हैं जो ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं वो नहीं बाहर निकल पाएंगे तो दिस प्रेसिपिटेटर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेटर ठीक है ये एग्जांपल है इसका तो स्मोक यहां से आया और ये हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रोड है तो जब इसके साथ कांटेक्ट में आएंगे तो अपना वो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और नीचे गिरते जाएंगे तो यहां पर प्रेसिपिटेटेड एश मिल जाएगी Second इज purification ऑफ ड्रिंकिंग वाटर देखो तो वाटर ऑप्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स ऑफ एन कंटेन सस्पेंडिड इम्प्योरिटीज तो पानी को जनरली प्योरिफाई करने के लिए उसके ऊपर जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज उनको कागुलेट करने के लिए प्रेसिपिटेट करने के लिए हम एलम्स यूज करते हैं तो एलम्स क्या करते हैं वो कागुलेशन कर देते हैं सस्पेंडेड इंप्योरिटीज की जैसे वो सारी इंप्योरिटी नीचे बैठ जाएंगे एंड वाटर थोड़ा सा तो बेटर हो जाता है उसकी ड्रिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब थोड़ा सा साफ हो जाएगा देन मेडिसिन मेडिसिन आपको मैंने पहले बताया था कि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन कोलाइडल इन नेचर चाहे जैसे एरिग्रोल इज अ सिल्वर सोल यूज एज एन आई लोशन फिर कोलाइडल एंटीमन इज यूज इन क्यूरिंग कल कोलाइडल गोल्ड इज यूज फॉर इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज फॉर स्टमक डिसऑर्डर ठीक है तो ये कोलाइडल क्यों होती है मैग मेडिसिन बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया फिर टेनिंग एनिमल हाइट आर क्लाइडल इन नेचर तो वेन हाइड विच हैज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज क्लाइडल पार्टिकल म्यूचुअलेशन टेक्स प्लेस दिस रिजल्ट इन द हार्डनिंग ऑफ लेदर तो लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग का जो प्रोसेस है वहां पर भी यही प्रोसेस यूज हो रहा है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है जस्ट इन्फॉर्मेशन इज सफिशियंट ओके तो आई थिंक दैट इज वेरी मच क्लियर आप सभी के लिए अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड वी विल बी फिनिशिंग द चैप्टर देखो क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35 आई थिंक ऑल आर विजिबल तो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक वन मिनट और टू मिनट एट मोस्ट इन सभी चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू कोलाइडल सोल्यूशन कैन बी purified by the फॉलोइंग method डायलिसिस yes peptization क्या होता है ये तो प्रेसिपिटेट को वापस कोलाइडल में लाने के लिए बोलते हैं फिल्ट्रेशन सिंपल फिल्ट्रेशन नहीं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं तो आंसर इज डायलिसिस ज्यादा देर तक डायलिसिस करने से भी क्या होगा कोलाइडल सोल्यूशन अनस्टेबल हो जाएगा 33 क्या है इट इज कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल इंटू प्रेसिपिटेट नो इट इज कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इंटू कोलाइडल सोल थर्टी फोर ब्लीडिंग ब्लीडिंग फेरिक क्लोराइड डालने से रुक जाती है क्यों क्योंकि ब्लड इज कॉगुलेटेड एंड द ब्ल ब्लड वेसल इज सील्ड देन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव गोल्ड नंबर ऑफ अ लाओफिलिक सोल सच प्रॉपर्टी दैट देखो द लोअर इज लोअर इट्स वैल्यू ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिंग पावर ठीक है पेप्टाइजिंग नहीं प्रोटेक्टिंग तो लोअर द वैल्यू ग्रेटर द प्रोटेक्टिंग पावर देन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स देखो प्रोटेक्टिव सोल कौन से होते हैं लायोफिलिक होते हैं देन क्वेश्चन थर्टी सेवन एंड थर्टी एट सॉल्व करो देखो थर्टी सेवन में पूछा है दॉगुलेशन ऑफ टू हंड्रेड एमएल ऑफ एस टू एस थ्री सोल्यूशन तो दो सौ एम एल सोल्यूशन के लिए कितना लगा टेन एम एल ऑफ वन मोलर एनएसीएल तो मिली मोल्स कितने हुए इसके मोलरिटी इन टू वॉल्यूम तो टेन इंटू वन तो टेन मिली मोल्स एनएसीएल लगे ठीक है कॉगुलेटिंग वैल्यू क्या है अभी यहां पर तो हिंट भी दे रखा है कि कॉगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है नंबर ऑफ मिली ऑफ डिड फॉर द काकुलेशन ऑफ वन लीटर तो दो सौ एम एल के लिए अगर दस मिली मोल लगे हैं तो एक हजार एम एल के लिए कितना होगा फाइव टाइम्स पचास मिलीमोल्स तो यही हमारी कॉकुलेशन वैल्यू है फिफ्टी देन क्वेश्चन थर्टी एट रेडिश ब्राउन सोल कंटेनिंग एफ्री पॉजिटिव ऑबटे बाई तो रेडिश ब्राउन सोल चाहिए कंटेनिंग एफ ई थ्री पॉजिटिव आय देखो एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एफ सी एल थ्री सोल्यूशन टू फ्रेशली प्रिपेर्ड एफ थ्राइस इसमें क्या होगा एफ थ्राइस को जो प्रेसिपटिट है वे Fe3 को यहां से एड्सॉर्ब करेगा ठीक है और एक पॉजिटिव सोल बन जाएगा क्लियर सेकेंड द एडिशन ऑफ एफ एच थ्राइस टू फ्रेशली प्रिपेर्ड एफल थ्री सोल्यूशन अब अगर फ्रेशली प्रिपेयर एफ ईसीएल थ्री है और उसमें थ्राइस एड करते हो तो क्या होगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड तो प्रेसिपिटेट है तो प्रेसिपिटेट को आप इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास एक्सेस में हो जाएगा और तब भी वही होगा प्रेसिपिटेट के ऊपर एफ थ्री पॉजिटिव आय एड्सॉर्ब होंगे पर क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा है तो यहां पर फिर से कॉगुलेशन हो जाएगी तो इसमें कुछ नहीं होगा द एडिशन ऑफ एन फोर ओ एच टू एफ सी एल थ्री सोल्यूशन ड्रॉप वाइज अब एफ ई सी एल थ्री में एन एच फोर ओ एच डालेंगे थोड़ा थोड़ा तो एफ ई ओ एच थ्राइस तो बनेगा और उसके बाद ओ एच नेगेटिव एब्जॉर्ब होगा उसमें ठीक है तो ओ एच नेगेटिव एड्सॉर्ब होगा तो नेगेटिव सोल बनेगा तो इसका आंसर आना चाहिए ए ऑप्शन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एफ ई सी एल थ्री क्योंकि इसमें एफ ई एच थ्राइस यहां से एफ ई थ्री पॉजिटिव को करेगा पॉजिटिव सोल बनेगा और वो रेडिश ब्राउन भी होगा फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन गोल्ड नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इज पॉइंट जीरो थ्री तो गोल्ड नंबर क्या होता है कितने मिलीमोल चाहिए थे सॉरी कितने मिलीग्राम ठीक है गोल्ड नंबर इज एक्टी मिलीग्राम तो गोल्ड नंबर दिया पॉइंट जीरो थ्री हैंड्रेड एम ऑफ गोल्ड सोल विल रिक्वायर हिमोग्लोबिन सो दैट गोल्ड इज नॉट कॉगुलेटेड बाय देखो गोल्ड नंबर होता है कि कितने मिलीग्राम चाहिए दस एम एल गोल्ड सोल की काकुलेशन रोकने के लिए तो इसका मतलब पॉइंट जीरो थ्री मिलीग्राम चाहिए हमें दस एम एल गोल्ड सोल के लिए तो सौ एम एल के लिए कितना चाहिए होंगे टेन से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज पॉइंट थ्री मिलीग्राम तो आंसर इज पॉइंट थ्री मिलीग्राम क्वेश्चन नंबर फॉर्टी आर्सेनिक सल्फाइड ए एस टू एस थ्री

तो so, सारे कोलाइडल पार्टिकल मान लो पॉजिटिव 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 चार्ज हो गया तो so, आपस में रिपेल करेंगे इसलिए आपस में कॉगुलेशन के चांसेस कम हो जाएंगे द लार्ज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल डेवलप इन द कोलाइड वो तो डबल लेयर कॉन्सेप्ट की वजह से आता है फॉर्मेशन ऑफ कोवलिन बॉन्ड नहीं विस्कोस्टिव मीडियम नहीं तो मेन जो रीजन है दैट इज द प्रेफरेंशियल एड्सॉप्शन ठीक है टेन क्वेश्चन फोर्टी टू मैच विस्ट वन लिस्ट टू कोगुलेशन तो कॉगुलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन फ्रॉम प्रसिप्टेड नो दैट इज पेप्टाइज़ेशन तो सी का आ गया क्यू टिंडल इफेक्ट क्या था स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये आ गया डायलिसिस क्या है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड और कॉगुलेशन क्या एक्यूमुलेशन ऑफ कोलाइडल सोल देन फोर्टी थ्री मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड क्या होता है ब्राउन इन मूवमेंट प्योरिफिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं डायलिसिस गोल्ड नंबर कहां यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए फॉर्मेशन ऑफ अ सोल पैप्टाइजेशन अब 44. Uh, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस देखो इसमें क्या आंसर हो सकता है देखो अमंग द फॉलोइंग कौन से सरफेक्टेंट का क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन सबसे कम होगी तो कंसेंट्रेशन इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम तो हम चेंज करने ही नहीं वाले नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम कैसे होगा नंबर ऑफ मोल होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट मॉलिकुलर वेट जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल उतने कम होंगे ठीक है तो मॉलिकुलर मास सबसे बड़ा किसका होगा जिसकी चेन सबसे लंबी होगी ठीक है तो यहां पर और आपने पढ़ा भी था कि सीएमसी जब कार्बन चेन लंबी होती है तो सीएमसी की वैल्यू कम होती है तो पहले वाले केस में कार्बन चेन सोलह कार्बन की है दूसरे में बारह कार्बन है यहां पर तीसरे में सात है यहां पर बारह है तो सबसे लंबी जो कार्बन चेन लग रही है वो ए ऑप्शन की लग रही है तो आंसर शुड बी ए ऑप्शन ठीक है मास से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ये प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है नो एंजाइम्स कैटलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन यस को एंजाइम इंक्रीज द केटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम यस टलिस्ट डज नॉट इनिशियट एनी रिएक्शन तो यहां पर पूछा क्या नॉट करेक्ट तो आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली ए बाकी तीन तो करेक्ट है ठीक तो है तो नॉट करेक्ट आ जाएगा ए देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स द कागुलेशन वैल्यू इन मिली मोल्स पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोइ यूज फॉर द कागुलेशन और देखो कॉगुलेशन वैल्यू आपको बताया था इनवर्सली प्रपोर्शनल टू काग्युलेटिंग पावर है तो कॉकुलेशन वैल्यू सबसे कम किसकी है एमजीएसओ फोर की तो उसकी कॉक्युलेशन या कॉक्युलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी तो थ्री फिर टू फिर वन सी ऑप्शन देन क्वेश्चन फोर्टी सेवन एड्सॉप्शन में क्या होता है डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर नेगेटिव बट डेल्टा एस इज पॉजिटिव नहीं डिसऑर्डर भी क्या होता है कम होता है ना डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है एडजॉप हमेशा एंड एक्सोथर्मिक होती है तो ऑल आर नेगेटिव डेल्टा जी भी नेगेटिव डेल्टा एच भी नेगेटिव नेगेटिव डेल्टा एस भी देन क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स देखो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में तो सॉल्वेंट मूव करता है टिंडल इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट का देखो इलेक्ट्रोस्प में भी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो गया तो चार्ज पे तो डिपेंड करेगा कॉगुलशन चार्ज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफोरिस चार्ज पे डिपेंड करता है टिंडल इफेक्ट का चार्ज से कोई रिलेशन नहीं है ठीक है देन क्वेश्चन फोर्टी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मिसल इन द एक्वा सोल्यूशन अब सर्टन कंसेंट्रेशन तो मिसल अबव सर्टन कंसेंट्रेशन कौन बनाते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ग्लूकोज हमारा सोप नहीं है यूरिया सोप नहीं है पीरिडीनियम क्लोराइड नहीं है डोडेकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड यस दिस इज अ अर्फेक्टेंट देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी अकॉर्डिंग टू द एड्सॉप्शन थ्यूरी ऑफ कैटालिसिस द स्पीड ऑफ रिएक्शन इनक्रीजेज क्यों बिकॉज एड्सॉप्शन से क्या होता है पहला द कंसट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट द एक्टिव सेंटर ऑफ कैटालिस बिकम्स हाई ड्यू टू एड्सॉप्शन

एनसीआर टी का सोल्यूशन डिटेल में आपको मिलेगा और उससे भी काफी थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी सिर्फ सोल्यूशन देखने से एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द एनसीईआरटी एग्जैम्पलर प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कोई भी अगर आपके पास स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव के लिए बुक है उसको आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो दैट इज ऑल नेक्स्ट लेसन वी विल बी स्टार्टिंग विद मेटलर्जी सो थैंक यू हैव एन आई स्टे